जय माता दी दोस्तों, नववर्ष मुबारक हो आप सबको, आपके परिवार को। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है और फिर समृद्धि। तो प्लीज अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों यारों का, सबका ध्यान रखें, ठीक है। आज बात करेंगे बिग बैश लीग के दूसरे मैच की। दूसरा मैच किसके बीच है? दूसरा मैच है सिडनी सिक्सर्स वर्सेज मेलबोर्न रेनेगेड्स। सिडनी सिक्सर्स तो टॉप फोर में है, बढ़िया कर रहे हैं। रेनेगेड्स का मामला गड़बड़ है, पिछले सीजन की सी कहानी बरकरार है, कुछ हो नहीं रहा है उनसे। मतलब बैटिंग तो सुपर फ्लॉप जा रही है और यही उनकी हार का कारण है। बॉलिंग में 2 मैच केन रिचर्डसन मिस करके वहां से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। ऑप्शंस ठीक थे लेकिन एज ए कलेक्टिव परफॉर्मेंस आई नहीं है गेंदबाजी से भी। इस मैच के अहम खिलाड़ियों की बात करें हम तो सिडनी सिक्सर्स के लिए फिलिप्स, विंस, हैंड्रिक्स, क्रिश्चियन, सीनेबॉट, डॉर्सिस सब इंपॉर्टेंट है, पूरी टीम चल रही है। और रेनेगेड्स की बात करूं मैं तो केन रिचर्डसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं पता कि मैं दूसरे कौन से प्लेयर का नाम लूं। नबी चल नहीं रहे हैं, मैकेंजी हार्वे 1 मैच में चले, फिंच 1 मैच में चले, मेडिसन एक आध विकेट ले लेते हैं बेचारे गेंदबाजी से, कैप्टन साहब बल्लेबाजी से 1 मैच में चले फिर नहीं चले हैं। जेम्स पैटिंसन एक आध विकेट लेते, मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं आ रही है। यही रेनेगेड्स का डूबने का कारण है इस सीजन। इस मैच के विनर की बात करूं कौन हो सकता है दोस्तों, इस मैच का विनर सिडनी सिक्सर्स होगा, ऐसी संभावना है अभी, क्योंकि सिडनी सिक्सर की टीम बहुत स्ट्रांग है ऑन पेपर भी, और वैसे भी परफॉर्मेंस फिलहाल बढ़िया आ रही है। फिलिप जरूर पिछले 2 मैचों में फ्लॉप हुए लेकिन उससे पहले बहुत बढ़िया चल रहे थे, और देर नहीं लगेगी उनको फॉर्म में आते हुए। और जहां पे रेनेगेड जैसी टीम हो अपोजिशन में तो फिर गोल्डन चांस है इनके पास। तो इसलिए सिडनी सिक्सर्स इस मैच के फेवरेट हैं, और फेवरेट होने का मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो बैट लगानी है ना इस मैच में, विनर पे जो बैट लगानी है, हमने जैसा बोला कि दो तरफा कमाना है, मतलब फैंटेसी से भी कमाना है और इधर से भी कमाना, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बड़ा ही साफ है। बड़ा ही साफ मतलब ये कि हमें बैट लगानी है, और बैट कहाँ लगानी है दोस्तों? बड़ा सीधा सीधा सिडनी सिक्सर्स पे। क्या रेट मिल रहा है बैट अड्डा पे? तो ये देखें, सिडनी सिक्सर्स यहाँ भी फेवरेट है 100 रुपए लगाने पे, या कहिए 1,000 रुपए लगाने पे आपको 1,500 मिलेंगे सिडनी सिक्सर्स पे। लेकिन अगर आप रेनेगेड्स पे लगाओगे 1,000 रुपए तो उसके आपको 2,620 मिलेंगे। लेकिन आप कच्चे लालच में फंसना मत, आप सिडनी सिक्सर्स पे ही लगाना, जितना लगाओ, फेवरेट है और करंट सिचुएशन में जीतने की कोई सूरत लग भी नहीं रही है, तो सिडनी सिक्सर्स ये मैच जीतेंगे, इन्हीं पे बैट लगाएं। लगानी कैसे? उसका लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करें, सीधा रजिस्टर कर लें, रजिस्टर करके डिपॉजिट करके जो फॉर्मेलिटी होती है फैंटेसी की तरह खेलें। ऐप नहीं है, वेबसाइट है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। बैट अड्डा की बात होगी और उसमें ज्यादा कुछ सीखना है, कैसे खेलना है, क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, पूरा वीडियो देख लें, समझ जाएंगे कैसे खेलना है, ठीक है। ये बात होगी आपका बैट अड्डा की। अब बात करते हैं इस मैच की स्मॉल लीग टीम क्या हो सकती है जो आपको जिता दे कुछ ढेर सारे पैसे। तो ये टीम है जो स्मॉल लीग की इस मैच में हो सकती है, जोसुआ फिलिप मेरे विकेट कीपर रहेंगे अकेले, मेडिसन और मैकेंजी हार्वे, फिंच को मिस करके जा रहा हूं, 10 क्रेडिट में प्लेयर मिल रहा है आउट ऑफ फॉर्म क्या करना, जेम्स विंस है मेरे, हैनरिक्स और डैन क्रिश्चियन है ऑलराउंडर स्लॉट में। डैन क्रिश्चियन अब सडनली एकदम इंपॉर्टेंट हो गए जब से गेंदबाजी ज्यादा करनी शुरू की है, 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर डाल रहे हैं और विकेट लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। उसके साथ जिन मैचेस में बैटिंग का मौका मिला बढ़िया फिनिश कर रहे हैं, 5 बॉलिंग ऑप्शंस लेके जा रहा हूं मैं, और उसमें भी सीन है वो हेडन के द्वार से, जो क्रीम है सिडनी सिक्सर्स की बैट बॉलिंग की उसको लेके जा रहा हूं, और वो इसलिए लेके जा रहा हूं कि रेनेगेड्स की बैटिंग कुछ खास चल नहीं रही है, और उनके साथ डैनियल क्रिश्चियन, मतलब लगभग आप ये समझिए कि मैं 15 ओवर कवर कर रहा हूं सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग का, ताकि जो मेजोरिटी ऑफ विकेट्स है वो यहीं आ जाए, ठीक है। पैटिंसन और रिचर्डसन को लेके जा रहा हूं, कारण कि पहले तो पावर प्ले में पैटिंसन बॉलिंग में आपका करेंगे बॉलिंग, वहां पे अगर फिलिप की आउट ऑफ फॉर्म वाली सिचुएशन बरकरार रहती है या विवेंस जल्दी चले जाते हैं तो वो पैटिंसन के खाते में आ सकती है। दूसरा डेथ ओवर्स, डेथ ओवर्स में केन रिचर्डसन तो स्पेशलिस्ट है, पैटिंसन भी 1 ओवर या 2 ओवर डालने आएंगे, तो इसलिए दोनों तरफ से कवर कर रहा हूं मैं मेलबोर्न रेनेगेड्स की बॉलिंग इनिंग को। इस तरीके से आपको अगर देखें तो लगभग 24 ओवर का बॉलिंग से गेम कवर मिल रहा है, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। बैटिंग से सॉलिड जो ऑप्शन से वो लेके जा रहा हूं। अब देखो, कैप्टन और वाइस कैप्टन इस टीम को बनाना मेरे लिए बहुत हेक्टिक था कि किसको बनाऊं, फिलिप को बनाऊं, विंस को बनाऊं, डैन क्रिश्चियन को बनाऊं, लेकिन मैं गया हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, जो सॉलिड ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, चूंकि बॉलिंग बैटिंग नहीं चल रही है मेलबोर्न रेनेगेड्स की, बैटिंग नहीं चल रही है मतलब बॉलर्स की बल्ले बल्ले रहने वाली है, तो इसी वजह से सीन एबॉट को मैं बना के जा रहा हूं कैप्टन। निक मेडिसन वाइस कैप्टन दो कारण से, पहली बात तो नंबर 3 बैटिंग कर रहे हैं तो गेम कवर अच्छा, दूसरा बॉलिंग जरूर करना है ये, क्योंकि इनकी गेंदबाजी चल नहीं रही है, नबी 4 ओवर डाल नहीं रहे, तो फिर
इसलिए निक मेडिसन, और मोस्टली जब जब बॉलिंग करने आते हैं 2 ओवर के स्पेल में 1 विकेट जरूर ले जाते हैं, तो वहां पे फिर ये वाइस कैप्टनसी के लिए बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। इसलिए निक मेडिसन को मैं वाइस कैप्टन पिक कर रहा हूं। आप चाहे अपने कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, मैं इनके साथ जाने वाला हूं। अब बात आ जाती है स्मॉल लीग टीम बन गई, खेलें कहां? ड्रीम इलेवन पे खेलना छोड़ दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, विजन इलेवन पर खेलिए। क्यों खेलिए? एंट्री कम है और प्रॉफिट सेम है, तो पैसा बचाया भी जाए कमाने के साथ, इसलिए विजन इलेवन पर करें ज्वाइन। उसके अलावा दूसरी बात यह कि भाई साहब विनिंग चांसेस कम है, मतलब ज्यादा है। ड्रीम इलेवन पे क्या है, ड्रीम इलेवन पे इतना क्राउड है तो वहां तो अनाप शनाप प्लेयर आते हैं, यहां पे आप अपने विनिंग परसेंटेज का फायदा उठा सकते हैं, उतने प्लेयर नहीं है, इसलिए उसका फायदा उठाएं और खेलें विजन इलेवन पर। विजन इलेवन का लिंक भी आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। और कमेंट में भी पिन किया हुआ, क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। अगर सीधे गूगल से कर रहे तो मेरा रेफरल कोड एमएस राघव डाल देना, ताकि आपको कोई लॉस ना हो, आप सीधे मेरे नेटवर्क में जुड़ जाएं और मेरे साथ अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो ये बात होगी विजन इलेवन की। अब बात करते हैं कि अगर इस मैच की ग्रैंड लीग टीम बनानी हो तो क्या हो सकती है। तो वो ये हो सकती है कि फिलिप का अगर फ्लॉप शो जारी रहा तो फिर सैम हार्पर विकेट कीपिंग में मेरे रहेंगे। फिंच को लेकर आ रहा हूं मैकेंजी हार्वे की जगह, सफलिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। निक मेडिसन की जगह रही। विंस बड़ी पारी नहीं खेले, 30-40 पे है, लेकिन डैनियल ह्यूज एक बड़ी पारी खेल चुके हैं। अर्ली विकेट्स अगर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे कैप्टन केन रिचर्डसन है यहाँ पे और जेम्स पैटिनसन भी है, ऋषि टॉपली भी है, तो मैं पूरा पावर प्ले कवर करके जा रहा हूँ, पूरा डेथ कवर करके जा रहा हूँ। इसीलिए डैनियल ह्यूज को लिया, मॉइजेस हेनरिकेस जो बैटिंग पे 3 नंबर और 4 नंबर है ओपनिंग मिस करके, ठीक है। तीनों बॉलर हो गए वहां से, और तीनों बॉलर हो गए यहां से, सीन एवर्ट, बैन डॉर्सिस और हेडन केयर। हेडन केयर अंडर रेटेड प्लेयर रहे इस टूर्नामेंट के, विकेट्स लिए लगातार, इसलिए वाइस कैप्टन। और केन रिचर्डसन कैप्टन, T20 स्पेशलिस्ट हैं, डेथ में बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं और विकेट्स लेते हैं हमेशा, इस वजह से। तो ये आपकी ग्रैंड लीग टीम होगी। इस मैच में मेरी बात खत्म होती है इस वीडियो की। मैं आपको मिलता हूं प्रो कबड्डी लीग के मैच में। बीबीएल के पहले मैच की भी वीडियो आ गई है, वो भी देखें। हमारी आपकी तो मुलाकात होती रहेगी हर दिन की तरह। फिलहाल अपना न्यू ईयर एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, जय माता दी।